नमस्कार दोस्तों, बिगुल मार्केटिंग के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, धन्यवाद। तो गाइज, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जिंदल स्टील एंड पावर के बारे में, क्या आपको इस शेयर पे जो है निवेश करना चाहिए नहीं, और जो इस शेयर में आपको आने वाले टाइम में क्या टारगेट देखने को मिलेंगे, कहाँ इस शेयर का जो है सपोर्ट बनेगा, कहाँ पर रेजिस्टेंस, सारा हम आपको क्लियर कर देंगे। इस शेयर के जो है फंडामेंटल जो है वो क्या इंडिकेट करें, चार्ट सेटअप जो है वो क्या इंडिकेट करें, टेक्निकल लेवल जो है वो क्या इंडिकेट करें, वो भी क्लियर कर देंगे। तो गाइज, अगर आप जो शेयर में निवेशक हैं, निवेश करने की सोच रहे हैं, तो वीडियो जो एंड तक जरूर देखिएगा, पूरा हम आपको जो है गाइज क्लियर कर देंगे। तो चलिए गाइज, स्टॉक का जो है टेक्निकल और जो है फंडामेंटल एनालिसिस जो है शुरू करते हैं, आपको एक्सप्लेन करके देते हैं गाइज। तो गाइज, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जिंदल स्टील एंड पावर के बारे में, शेयर के जो है फंडामेंटल जो है वो क्या इंडिकेट करें, फाइनेंशियल जो है वो क्या इंडिकेट करें, और यहाँ पे जो है क्या मोमेंटम बन रहा है। तो जिंदल स्टील एंड पावर में आज आप देख सकते हैं हमें एक स्ट्रॉन्ग तेजी और एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिल रही है, और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें जो इस शेयर में बनता हुआ दिख रहा है। स्टॉक तकरीबन आप देख सकते हैं 4-5% आज जो है उछला, और एक स्ट्रॉन्ग तेजी हमें यहाँ पे बनती हुई दिख रही है, और एक अच्छी रैली और एक अच्छी तेजी जो है यहाँ पे हमें बनती हुई दिख रही है। आप देख सकते हैं पिछले एक हफ्ते में स्टॉक ने आपको तकरीबन 9% के स्ट्रॉन्ग रिटर्न बना के दिए, पिछले एक महीने में जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है अच्छे रिटर्न जो है बने हुए हैं। पिछले एक साल में आप देख सकते हैं स्टॉक में जो है एक अच्छा मोमेंटम बना है, और निचले लेवल से एक बढ़िया रिवर्सल हमें जो है देखने को मिला है। तो जिंदल स्टील एंड पावर में मैं आपको यही राय दूंगा, और मेरी आपको यही सलाह रहेगी, आप लोग जो है बैठ के रहिए, यहाँ पे आपको जो है अच्छे खासे रिटर्न और अच्छी खासी तेज़ी जो है देखने को मिलेगी, क्योंकि जो रिकवरी हुई है स्टॉक की गाइज वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई है। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे आप जो है कंपनी के फंडामेंटल्स देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पी रेशो काफ़ी बढ़िया है, इंडस्ट्री पी के हिसाब से कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है, ROE और अर्निंग पर शेयर जो है कंपनी का वो भी काफ़ी शानदार है, रेवेन्यू ग्रोथ आप देख सकते हैं कंपनी का वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हैं कंपनी का कितना स्ट्रॉन्ग है, नेटवर्क देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से बढ़ रही है, शेयर होल्डिंग एलोकेशन भी कंपनी का काफ़ी बढ़िया है। और ऊपर से आपको पता है गाइज, आने वाले टाइम में जो गवर्नमेंट है वो कैपेक्स पे कितना ज़्यादा पैसा खर्चेगी और पावर सेक्टर में कितना ज़्यादा पैसा खर्चेगी, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है जिंदल स्टील एंड पावर को होगा। तो मैं आपको यही राय दूंगा और मेरी आपको यही सलाह रहेगी, मुझे लगता है यहाँ पे अभी आपको आने वाले टाइम में 1200 से लेके 1500 के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ आउटलुक कंपनी के पॉजिटिव है, ऑर्डर बुक भी कंपनी की स्ट्रॉन्ग है। तो जिंदल स्टील एंड पावर में आप लोग जो है बेफिक्र के बैठे, यहाँ पे आपको अच्छी खासी तेज़ी और एक अच्छी खासी रैली जो है देखने को मिलेगी। तो इस शेयर में आप जो है 1200 से लेके 1500 के टारगेट के लिए बैठे हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफ़ी बढ़िया है और फाइनेंशियल्स भी कंपनी के काफ़ी बढ़िया है। बाकी कोई भी अपडेट आता है जिंदल स्टील एंड पावर से रिलेटेड हम आपको बता देंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए अब इसका चार्ट सेटअप आपको। तो गाइज, यहाँ पे हम आपको जिंदल स्टील एंड पावर का जो है चार्ट सेटअप समझाते हैं। तो चार्ट सेटअप में आप देख सकते हैं स्टॉक का एक जो था कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और कितनी स्ट्रॉन्ग रैली बनी और कितना स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड इस शेयर में बना है। और उसके बाद आप देख सकते हैं जिंदल स्टील एंड पावर में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्रेंड बना था अपर लेवल में थोड़ा अटक गया था स्टॉक, और थोड़ा वीक सेंटीमेंट और एक वीक ट्रेंड बना था उस टाइम। आपको होता है मार्केट की कंडीशन भी थोड़ी वीक थी और ट्रेंड और सेंटीमेंट जो था स्टॉक का वो भी काफ़ी वीक और नेगेटिव बना था। लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वन वे रैली और वन वे स्थिति जो स्टॉक में बनती हुई दिख रही है। तो पहला टारगेट मैं आपको यही राय दूंगा, यहाँ पे जो है आपको 1200 का देखने को मिल सकता है और उसके बाद 1500 का टारगेट देखने को मिल सकता है। बाकी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ आउटलुक कंपनी का पॉजिटिव है, और आपको पता है गवर्नमेंट आने वाले टाइम में कैपेक्स कितना ज़्यादा जो है करने वाली, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट इसको होगा, और पावर सेक्टर में भी इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी पैसा खर्चने वाली। तो आप लोग जो है जिंदल स्टील एंड पावर में बेफिक्र होकर बैठे, कोई भी कमी आपको जो इस शेयर में देखने को नहीं मिलेगी। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, और ग्रोथ आउटलुक कंपनी का पॉजिटिव है। तो जिंदल स्टील एंड पावर में आप लोग बेफिक्र होकर बैठे, इस शेयर में आपको आने वाले टाइम में 1200 से लेके 1500 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये शेयर एक स्ट्रॉन्ग बाय कॉल रहेगा, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, और ग्रोथ आउटलुक कंपनी का पॉजिटिव है। बाकी कोई भी अपडेट आएगा हम आपको बता देंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, धन्यवाद। तो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए।